खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। डीआईजी आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा मुबारकपुर थाने का किया गया वार्षिक निरीक्षण। आज दिनांक 15 तीन 2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा मालखाना शस्त्रगार कार्यालय के समस्त रजिस्टर व थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया तथा थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से असलहा टेस्ट करवाया गया। थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों व चौकीदारों की समस्याओं को डीआईजी द्वारा खुद सुना गया। निरीक्षण के उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा थाना स्थानीय के संभ्रांत लोगों के साथ आगामी चुनाव के संबंध में बैठक भी की गई, जिसमें महिलाओं ने भी चढ़ बढ़ कर भाग लिया और महिलाओं ने डीआईजी से सीधा संवाद भी किया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा लोगों से अपील की गई कि चुनाव को शांति ढंग से कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पंकज कुमार पांडे, थाना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र, कस्बा चौकी प्रभारी कमल दुबे और सठियाओं चौकी प्रभारी श्री कृष्ण प्रजापति, महिला पुलिसकर्मी व थाना मुबारकपुर के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। Thank you.
हम सब इसी परंपरा को आगे कायम रखें तो हमारे पुलिस विभाग का, हमारे डीआईजी महोदय का, एसपी महोदय का, डिवीजन महोदय का और पूरे विभाग का बहुत बड़ा हम सहयोग करेंगे और ये एक बहुत बड़ा पूरा सहयोग करेंगे। हम समझ जानते हैं कि आप सब इस विषय में हमें और इसी के लिए कहा भी गया है कि इसका रीजन भी है, बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान वैसे नहीं हो सकता, लेकिन कह देने से पीड़ा या कष्ट कम होता है। मैं थोड़ा उचित उदाहरण दे दूँ, जो लोग मानस प्रेमी होंगे उनको मालूम होगा, तुलसीदास के लाइन लिखी है, कहे रूप दे का छुट्टू का घटी होई, लेकिन कहा चाहे हजाम कहने से भी पीड़ा कम हो जाती है। सुंदरकांड की लाइन है, लेकिन किसको बताया जाए कोई नहीं। और इसी को रहीम जी ने भी बहुत पहले इसलिए बोला है, रहीम जी मंदी बता मंदी राखो जोए सुन इट रही है, लोग सब बांट रही है कोई। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, मेरे पुलिस के सभी मौजूद साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित थे, सभी इस मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सम्राम नागरिकगण विभूतजन और पत्रकारबंधु, आज महोदय तिरंगे खाने के ये सब द्वारा अपेक्षा की गई थी कि सर यहाँ के जितने भी प्रमुख नागरिकगण हैं, जितने भी मौजूद लोग साहबान हैं, उन सबसे रूबरू हों। ये अभी इतना मैंने देखा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में इस शिक्षा को लोकल लेवल पर बढ़ावा दिया जा रहा है और आज नहीं कल ये आपके पाठ्यक्रम का भी अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील है। मिशन शक्ति अभियान इसके तहत आपका यह महिला हेल्प डेस्क टिक रहा है, तो कहीं ना कहीं मानपुर में मिशन शक्ति के ही पार्ट के रूप में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कॉलेज स्तर पर स्कूल स्तर पर ट्रेनिंग भी अनिवार्य भाग हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं वो दिन भी समय के साथ आएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे और वो चीज़ें भी आएंगी। अब और आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय दीजिए, जाहिर से हम लोगों को भी बातें सुनिए, जो बातें अच्छी लगी हो अच्छी बात है, जो ना अच्छी लगी हो उसको छोड़ देना ही, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुस्कुरा है क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप फिट रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मानती हूँ अपने पर्सन होने के कारण, मैं इससे कह सकता हूँ कि खुशी तो अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं थोपी जा सकती। जितना खुश रहेंगे उतना ही आपका परिवार समाज राष्ट्र सुख रहेंगे। बस एक बार सुना हमारे पीछे चौकीदार लोग हैं, वो सूचना को हमारे बहुत तगड़े हैं गांव के, वो लोग स्थानीय थानों पर अपनी सूचनाएं देते होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आगे भी आप अच्छे नाम दिया जाएगा हमारे लेवल पे भी, तो आसपास के लेवल पर बच्चियाँ यहाँ पर पहली बार मुझे पढ़ाने के लिए बधाई, मैंने जो सुझाव दिए आपको जो अच्छे लगे उसको जरूर फॉलो करिएगा और हम लोगों के लेवल पर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएँ कभी भी हों। इस निरीक्षण के क्रम में कई सारे कार्य किए गए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय संभ्रांत नागरिकों से भी संवाद गोष्ठी की गई, सुझाव लिए गए, नारी शक्ति की तरफ से भी काफ़ी अच्छे सुझाव आए, सामान्य रूप से खाने का अच्छा पाया गया। इसके साथ साथ थाना परिसर का व्यापक रूप से भ्रमण व निरीक्षण जो बैर
राष्ट्र भवन में डिस्ट्रीब्यूशन कक्षा रहा है, देखा कि उनको समयबद्ध रूप से उनका कार्य पूर्ण हो महिला हेल्प डेस्क अभी द्वारा निरीक्षण किया महिला हेल्प डेस्क पर यहाँ पर जो भी शिकायतें थाने पर आई हैं उनका फीडबैक भी लिया गया है और उनकी जाँच होने के बाद स्थानीय स्तर से महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षियों द्वारा पीड़िता से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक के आधार पर कोई संतुष्ट है तो अग्रिंग पुनः उसकी जाँच कराई जा रही है। मुबारकपुर थाने का आज निरीक्षण क्रम में कई सारे कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों से स्थानीय सरकार नागरिकों से भी संवाद की सुझाव लिए गए। नारी शक्ति से भी काफ़ी अच्छे सुझाव सामान्य रूप से थाने का फीडबैक काफ़ी अच्छा पाया गया। स्थानीय लोगों ने थाने की कार्यप्रणाली प्रशंसा की। इसी के साथ साथ थाना परिसर का मेरे द्वारा भ्रमण व निरीक्षण किया गया। जो बैरक्स यहाँ पर बन रहे हैं कार्य पूर्ण हो मॉनिटर करते रहें, साफ सफाई रख रखाओ डॉक्यूमेंट्स की साफ सफाई के साथ साथ उनका अपडेटेशन और अपडेटेशन वो भी मेरे द्वारा सामान्य रूप से थाने की डॉक्यूमेंट्स की रख रखाव और थाना परिसर का रख रखाव अच्छा पाया। इसी के साथ साथ महिला हेल्थ का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कोई भी शिकायतें थाने पर आई हैं उनका फीडबैक भी लिखा गया है। जाँच होने के बाद स्थानीय तैनात महिला आरक्षियों द्वारा पीड़िता से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक के आधार पर संतुष्ट रहे तो अग्रिम पुनः उसकी जाँच।